अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। और हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। ठीक है, मतलब सेल के फ्रैक्शन बनाना, सेल के पार्ट्स बनाना, मतलब उनके टुकड़े बनाना। क्यों बनाना? ताकि हम सेल की स्टडी आसानी से कर सकें। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। आपने छोटी क्लासेस में, जैसे कि 9 में भी आप लोगों ने बायो पढ़ी है, फिर मैट्रिक में जाके बायो पढ़ी है। ठीक है, तो सेल के बारे में तो सब जानते हैं, जितने बायो के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, सबको सेल के बारे में पता होता है। और सेल को हम डिफाइन करते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, या सेल को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमें पता है कि सेल जो है ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और दूसरी बात यह है कि सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्लांट सेल बनाया है। ठीक है, तो प्लांट सेल में मैंने यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है ये, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ये, और वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो ये सेल के पार्ट्स हैं, इन सेल के पार्ट्स को हमने स्टडी करना है। और इनको अगर हम अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहें तो हम माइक्रोस्कोप से इनकी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हमें इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, ताकि एक एक कंपोनेंट्स को हम आसानी से और सही तरीके से स्टडी कर सकें। तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो हम क्या करेंगे, सेल फ्रैक्शनेशन, मतलब एक टॉपिक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, द सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट। ठीक है, पार्ट्स, मतलब या तो हम सेपरेट कह सकते हैं या हम आइसोलेट कह सकते हैं, अलग करते हैं सेल के पार्ट्स, इन ऑर्डर टू स्टडी इजीली, ताकि इनको हम आसानी से स्टडी कर सकें। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से पता चल गया कि इसमें हम क्या करते हैं, सेल को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इनके पार्ट्स को अलग अलग करते हैं, और फिर सेपरेटली हम जो है ना एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं। ठीक, हमारे पास इनके जो सेल फ्रैक्शनेशन है, इसके दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप हमारे पास है होमोजेनाइजेशन, और एक हमारे पास है सेडिमेंटेशन, और इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, दो स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजेनाइजेशन की। होमोजेनाइजेशन जो है ना, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सेल नहीं लेंगे, मतलब हम टिश्यूज लेंगे। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू ले लेंगे, कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यू ले सकते हैं, या हम जो है ना मसल ले सकते हैं, मसल सेल जैसे मस्कुलर टिश्यूज है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सबसे पहले ब्रेक डाउन कर देंगे। मतलब ये जो हमारे पास टॉपिक है होमोजेनाइजेशन, इसमें हम सेल को ब्रेक डाउन कर देंगे। उनको ब्रेक डाउन करने के बाद जो है ना, हम इनको फिर अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप है, और इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस। ठीक है, नंबर ऑफ सिमिलर सेल ब्रेक डाउन, हम सिमिलर सेल को इनमें क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि कोल्ड सुटेबल मीडियम पर, मतलब हमारे पास जो मीडियम होगा वो मुनासिब मीडियम होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, और इसके अलावा प्रॉपर पीएच भी होना चाहिए और आयनिक कंसंट्रेशन भी। पीएच आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, या हमारी बॉडी का जो ब्लड का जो पीएच है वो नॉर्मल होता है 7.4। तो इस तरह हमें यहाँ पर भी पीएच को मेंटेन करके रखना है। और जो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ मेंशन की है, आयनिक कंसंट्रेशन, मतलब जो आयंस है, जैसे कि मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है, इसके अलावा मैग्नीज है, तो इनको भी हमने मेंटेन करके रखना है। ठीक, इसमें अब क्या कर, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के लिए हम एक इंजाइम इस्तेमाल करते हैं, और इंजाइम का नाम है पेक्टिनेज। ठीक है, पेक्टिनेज, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है, सेल को सबसे पहले टिश्यूज है तो सेल को अलग करना पड़ेगा, और उसके बाद सेल को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि प्लांट सेल, आपने जो सेल वॉल पढ़ी होगी, तो सेल वॉल के तीन लेयर हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, और दो सेल के बीच में जो लेयर होती है उनको हम कहते हैं मिडल लेमेला। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, देखो सबसे जो ब्लैक वाला है ना, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है ना, मैंने ब्लू से मेंशन किया, ये हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल, और बीच में जो मैंने रेड से मेंशन किया है ना, ये हमारे पास है मिडल लेमेला। अब ये मिडल लेमेला जब डाइजेस्ट होगा, खत्म होगा, तो ये सेल अलग होंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एंजाइम रखा है। तो इन प्लांट सेल एंजाइम पेक्टिनेज ऑल्सो यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ द मिडल लेमेला। ठीक है, तो सेल फ्रैक्शनेशन का जो पहला हमारे पास स्टेप है, इसमें हमने क्या किया, होमोजेनाइजेशन हमारे पास पहला स्टेप है। इसके अंदर हमने टिश्यू लिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन किया है, यहाँ हमने टिश्यू लिए,
ठीक है, और टिश्यू को हमने मैकेनिकल इनर्जी के मदद से टिश्यू को हमने ब्रेक डाउन किया, सेल को ब्रेक डाउन किया हमने, ठीक है, और प्लांट सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने एंजाइम का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बिफोर फ्रैक्शनेशन मतलब हमारे पास जो होमोजेनाइजेशन है मतलब ब्रेकडाउन से पहला ये हमारे पास जो है ना स्टेप है, जिसमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टिश्यू मेंशन किए हैं, आपको ब्लू टिश्यू नज़र आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि होमोजेनाइजेशन के बाद सेल टूट चुके हैं, जितने भी सेल्स थे वो सारे टूट चुके हैं, मैंने यहाँ पर अलग अलग मेंशन किए हैं, मतलब रेड से भी मेंशन किए, ब्लैक से, ब्लू से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो स्टेप है मतलब ये वाला और ये स्टेप, इसमें सिर्फ क्या हुआ है, सेल को हमने ब्रेक डाउन किया है, सेल को अब हम अलग अलग करेंगे, वो अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेप किस में आएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड जो हमारे पास है ना, ये किसके स्टेप्स है, होमोजेनाइजेशन के। अच्छा, ये आगे स्टेप्स जो है ना वो समझाने से पहले आपको मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और ग्रेविटी में, ग्रेविटी कभी आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी। ग्रेविटी एक कशिश है ज़मीन की, जो ज़मीन का जो सेंटर है ना, इसके अंदर एक कशिश है, वो किस तरह ग्रेविटी बनती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है, वो हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये एक फोर्स है जिसके जरिए ज़मीन अपने सेंटर की तरफ जो है ना चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। और फिजिक्स में हम इसकी वैल्यू भी याद करते हैं, 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है नॉर्मल जो है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी की, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपने एयरक्राफ्ट के बारे में सुना होगा, ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है ये जाते हैं ऊपर स्पेस में जाते हैं, और आपको पता है स्पेस के अंदर जो ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने जो एयरक्राफ्ट है ना उनको इस तरह स्पिनिंग करते हैं, ये बहुत तेज़ी से घुमाते हैं और इसके अंदर एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये स्टेबल रहते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी की बात हम करेंगे, हमने क्या किया, देखो हमारा जो मेन टारगेट है, हम सेल के कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं ताकि इनको आसानी से हम पढ़ सके, तो हमने यहाँ पर सेल को ब्रेक डाउन किया है पहले स्टेप में। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास सेडिमेंटेशन, या इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। एक मशीन होती है और उस मशीन का नाम है होमोजेनाइजर। उस मशीन, वो मशीन करती क्या है, वो इस तरह जो ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये उसके अंदर हम रखते हैं और वो स्पिनिंग मोशन के साथ वो मशीन घूम रही होती है, मतलब वो गोल गोल मोशन कर रही होती है स्पीड के साथ, और उस स्पीड के साथ एक ग्रेविटी पैदा होती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ठीक है। और उस ग्रेविटी की वजह से जितने भी ये कंपोनेंट है ये नीचे सेटल डाउन होते जाते हैं और इस तरह हम लोग सेपरेट करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस टेस्ट ट्यूब को, आप समझ ले कि इसको हमने उठा के उस मशीन के अंदर रखा, अब उस मशीन को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्रेविटी उसमें सेट होती है, तो हमने यहाँ पर कितनी ग्रेविटी सेट की है, सबसे पहले 800 ग्रेविटी, और कितने मिनट के लिए स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए। जब इतना हम इसको घुमा लेंगे तो फिर हमारे पास जो बड़े पार्टिकल्स हैं या जो बड़े ऑर्गेनेल्स आप कह सकते हैं न्यूक्लिया है, वो सारे नीचे सेटल डाउन हो गए, कितने ग्रेविटी पे, 800 ग्रेविटी पे। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, जो नीचे चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं इनको हम कहते हैं पैलेट, और जो ऊपर सॉल्यूशन रह जाता है जिसके अंदर अभी रिमेनिंग ऑर्गेनेल है उनको हम नाम देते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। ये दो बातें भी याद रखनी है। तो हमारे पास, हमने क्या हासिल किया, न्यूक्लिया है। अब न्यूक्लियस की हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ न्यूक्लियस तो नहीं चाहिए, हमें तो और माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, हमें क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए, जैसे कि सेल के कंपोनेंट्स हैं ना, तो हर एक कंपोनेंट का हमें स्टडी करनी है। क्योंकि आपको मैंने ये बात स्टार्टिंग में बताई कि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए और ये स्टडी उनको ज़रूर करनी चाहिए सेल के जितने कंपोनेंट्स हैं, ताकि ये बेसिक चीज़ें, ताकि उनकी जो है ना बायोलॉजी स्ट्रांग हो सके। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लिया अलग कर ली, अब इनके स्टडी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन बचा है, जो सुपरनेटेंट बचा है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब को अब दोबारा हम रखेंगे उस होमोजेनाइजर के अंदर, लेकिन इस बार हमने क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। देखिए, हमने ग्रेविटी कितनी कर दी, 20,000 ग्रेविटी, और कितने मिनट के लिए अभी घुमाना है, 15 मिनट के लिए घुमाना है। तो इस तरह जब हम कर लेंगे तो हमारे पास अब
और चीजें नीचे बैठ गई, लेकिन वो इस बार क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हैं कि ये सेल ऑर्गेनेल है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग हो गए, अब क्या करेंगे, अब और भी ऑर्गेनेल चाहिए। हम इस सॉल्यूशन को, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, उसको हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, लेकिन इस बार हम ग्रेविटी और ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे। हमने कितनी इंक्रीज कर दी, 1 लाख टाइम, हमने 1 लाख टाइम तक ग्रेविटी इंक्रीज कर दी। और इस बार हम स्पिनिंग मोशन कितने देर के लिए देंगे, 60 मिनट्स के लिए, मतलब 60 मिनट के लिए घुमाएंगे। तो हमारे पास इस बार जो ऑर्गेनेल हासिल होंगे वो हमारे पास के माइक्रोसोम्स, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसोम, अब इसके अंदर और भी छोटे ऑर्गेनेल है, राइबोसोम्स के बारे में आप पढ़ते हैं। राइबोसोम स्मॉल ऑर्गेनेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं। हम अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर देंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसको रखेंगे। अब ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ा देंगे, कितनी ग्रेविटी बढ़ाई हमने, 150,000, मतलब 1.5 लाख ग्रेविटी हमने यहाँ पर सेट की है। और इसके साथ कितने घंटे तक इसको घुमाएंगे, 3 घंटे तक घुमाएंगे, और लास्ट स्टेप में हमारे पास राइबोसोम अलग हो जाएंगे और जो सॉल्यूशन बच जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म और जो न्यूट्रिएंट बच जाएंगे उनके लिए अलग प्रोसेस भी है, वो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग से ये चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक है, इस सेल फ्रैक्शनेशन में हम क्या करते हैं, सेल को ब्रेक डाउन करते हैं।